अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शादिक इकबाल रेहान, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मोटोरोला मोटो एम स्मार्टफोन के बारे में। व्यूवर्स, ये फ़ोन हाल ही में रिलीज़ हुआ है और अभी इसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी अभी हम बात करेंगे। व्यूवर्स, अब जब भी कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो होती है उसकी उसका कैमरा, उसकी बैटरी और उसकी रैम। सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। व्यूवर्स, इस मोटो एम जो स्मार्टफोन है इसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा इस्तेमाल किया जो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसकी प्राइस के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका 16 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी प्राइस में आगे आपको जब बताऊँगा तो आप भी इस बात पर यकीन कर लेंगे कि किस तरह है। तो इसकी अगर हम रैम की बात करें तो 4 GB रैम इस्तेमाल की गई है। इसके प्राइस के हिसाब से रैम भी ज़बरदस्त है, और जो 5100 mAh बैटरी यूज़ की गई है इसमें वो भी बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग आपको प्राइस के हिसाब से लगेगी। और एंड्राइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 7.0 वर्जन लेटेस्ट इस्तेमाल किया गया है, ये भी अमेजिंग है इसकी प्राइस के हिसाब से। और 32 GB जो इसकी स्टोरेज है, इसके अलावा आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें अवेलेबल है, एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसमें मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी सेकेंडरी और प्राइमरी कैमरे की, तो 8 मेगापिक्सल इसका सेकेंडरी कैमरा है और 16 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी कैमरा है, और ऑटो फोकस है जो प्राइमरी कैमरा है, और LED फ्लैश के साथ है। तो इसके अलावा हम बात अगर करें इसके साइज़ की, तो 5.5 इंचेस इसका साइज़ है। और इसके अलावा हम इस दीगर जो इसके फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और फीचर्स में हम जियो टैगिंग है, टच फोकस है, फेस डिटेक्शन है, HDR है, पनोरामा जो है वो इसमें यूज़ किया गया है, एंड इसके अलावा लाउड स्पीकर यस है, सब फोन्स में होता है, जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिकेशन है तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो अगर हम ब्लूटूथ 4.1 लेटेस्ट ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो इसमें इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा GPS है इसमें, और इसके अलावा माइक्रो USB 2.0 है, फिंगरप्रिंट है, और गैरो एंड ये इसमें सेंसर वगैरह कंपास का जो सेंसर है वो इस्तेमाल किया गया है इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लास्ट में इसके कलर के बारे में, तो बैटरी के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, ज़बरदस्त बैटरी है, 5100 mAh बैटरी है इसमें। और इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो 2 कलर अवेलेबल हैं, वाइट एंड ब्लैक, इन 2 कलर्स में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और आखिर में मैं प्राइस की बात करता हूँ, प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10,000 पाकिस्तानी, और इसमें आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अगर लास्ट में मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग हो, और इस तरह की और आप वीडियोस को देखना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक या शेयर करें, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई और आप समझते हैं कि मैं किसी चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, सब ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।